मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के विवाद को समाप्त करने के लिए फैमिली सेटलमेंट क्या होता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर परिवार में संपत्ति होती है और एक समय पर जो भी उसके शेयर होल्डर हैं, चाहे वो पिता हो, माता हो, बच्चों, हर आदमी उस पारिवारिक संपत्ति का, जिनका कि उसमें राइट है, अधिकार है, वो उसका बंटवारा चाहता है। इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं आज इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। सिविल केस यदि आप उस बंटवारे के लिए लगाएंगे तो सबसे पहले आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे, दावा प्रस्तुत करना होगा, कंटेस्ट होगा, बहुत समय लगेगा, रुपये पैसे भी काफ़ी खर्च होंगे, परेशानी भी मानसिक आपको उठानी होगी तथा समाज में भी एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा और फजीहत होगा कि होगी कि इनमें सब में आपस में संपत्ति के बंटवारे के लिए कोर्ट कचहरी हो रही है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा तरीका यह है कि सभी, अगर चार भाई हैं, माँ बाप हैं, मिल बैठकर घर में उस संपत्ति के बंटवारे के लिए आपस में सहमति बनाएं और इसके लिए किसी अपने परिचित एडवोकेट या वरिष्ठ, जिसकी बात सभी पक्ष मानते हैं, उन्हें आपस में बिठा लें और कोशिश ये करें कि आपसी सुलह से एक एग्रीमेंट या समझौता तैयार करें जिस पर वो स्टैम्प पेपर पर वकील भी बना देता है, दो गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, सभी पक्षकार जिनमें संपत्ति का बंटवारा होना है उनके हस्ताक्षर होंगे तथा इसे बाद में रजिस्टर्ड भी, सब रजिस्ट्रार के यहाँ आप जो क्षेत्राधिकार का रजिस्ट्रार है उसके यहाँ रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं दो गवाहों की उपस्थिति। तो इसका सबसे बढ़िया एक मोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें मकान है, काफ़ी बड़ा मकान है, संयुक्त है, इसके अलावा एक कोई ऑफिस है जो परिवार के सभी लोग उस ऑफिस को चला रहे हैं, कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हर परिवार में रहती ही है। तो यदि कोई एक दो बहनें हैं तो ज्वेलरी का बंटवारा उन बहनों को कर सकते हैं, संपत्ति का जो बंटवारा है वो भाइयों के नाम, दो भाई हैं तो दोनों को आधा आधा देकर भी किया जा सकता है तथा यदि कोई दुकान या ऑफिस है तो उसका भी बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर जो पक्षकार उनमें से तैयार हों उनको देकर किया जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाते हुए, पार्टीशन के लिए झगड़ा न करते हुए, आपसी सहमति से किसी भी वरिष्ठ आपके जो पूज्य हो, जिसकी बात सभी सदस्य मानते हैं, उसे बिठा लें, एक एडवोकेट को बिठा लें और आपसी सहमति में सौहार्दपूर्ण वातावरण से संपत्ति का बंटवारा यदि कर लेते हैं तो सबसे उत्तम बात है। यदि प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि उसमें बंटवारा आपसी सहमति या सौहार्द से नहीं हो सकता है तो एक उसका विकल्प मैं और भी बताता हूँ जो कि हमारे परिवार में भी हुआ था। पार्टीशन सूट अगर चल भी रहा है कोर्ट में तो आप एक एप्लीकेशन लगाकर ये कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि संपत्ति का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है कि उसमें बंटवारा सभी जो भी पक्षकार हैं उनका उसी संपत्ति में से किया जाए। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रॉपर्टी को सेल करके, बेच के जो भी उसका एक लमसम अमाउंट आएगा उस अमाउंट को प्रपोर्शनेट, अनुपातिक रूप से सभी पक्षकार जो कि हिस्सेदार हैं उनमें बांट दिया जाए तो भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो राजीनामा होकर या एग्रीमेंट होकर उस संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को गिफ्ट में या वसीयत में कोई ऐसी संपत्ति मिली है या नहीं भी है तो सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, वसीयत जो भी है उसे भी रजिस्टर्ड कराकर अपने नाम उस संपत्ति को आप कर सकते हैं। मैंने आपको संपत्ति के बंटवारे के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से फैमिली सेटलमेंट कैसे होगा इसकी संक्षिप्त प्रक्रिया बताई, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने ईगो में आपस में लड़कर कोर्ट कचहरी करते हैं, सालों खराब कर देते हैं, रुपये पैसे की बर्बादी होती है, न्यायालय बाद में उनको मानसिक पीड़ा भी होती है, न्यायालय के चक्कर काटते रहते हैं, बदनामी भी होती है समाज में तथा जो भी आपके समाज के लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। इन सब से बचने के लिए मैंने आपको फैमिली सेटलमेंट का सबसे अच्छा एक तरीका, सरल तरीका बतलाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप YouTube पर मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें, तथा यदि यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्र समाज के लोग, दोस्तों, यारों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।